छाता से नौजिल की ओर जाने वाला मार्ग खस्ता हाल हो चला है। यहाँ सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढे में सड़क है। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। इन तस्वीरों में आपको सड़क कम और गड्ढे ज्यादा नजर आएंगे। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जिस प्रकार सूबे के मुखिया ने कहा था कि मैं सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दूंगा, लेकिन यहाँ तो गड्ढा मुक्त नहीं गड्ढा युक्त सड़कें ही बन गई हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो सफर सड़क पर कर रहे हैं या गड्ढों में सफर कर रहे हैं। आज इसी सड़क पर एक भूसे से भरा हुआ ट्रैक्टर जो कि मुरैना से आ रहा था और नौजिल के लिए जा रहा था, सड़क पर बने इन गड्ढों की मेहरबानी से पलट गया। गनीमत ये रही कि कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना इस ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने की वजह से एक बड़ा हादसा भी घटित हो सकता था। कल भी यहाँ एक रेत से भरा हुआ ट्रक पलट गया था। वहाँ पर मौजूद लोगों ने बताया कि इन गड्ढों की वजह से एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन यहाँ वाहन नहीं पलटता हो। किसी भी दिन यहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग पिछले 2 महीने से इसकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है। कई दफा शिकायत करने के बाद भी आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आज इसी गड्ढे की वजह से लोगों को अपनी जान हथेली में रखकर चलनी पड़ रही है। ट्रैक्टर चालक सुदामा ने बताया कि हम मुरैना से ट्रॉली में भूसा भरकर नौजिल जा रहे थे और अचानक सड़क पर बने गड्ढे की वजह से हमारी ट्रॉली पलट गई। क्या नाम है आपका? सुदामा। कहाँ के रहने वाले सुदामा? मुरैना। मुरैना, अच्छा बताएं ये ट्रैक्टर आपका है? हाँ जी हमारा है। तो कैसे बदला, क्या मामला रहा? ये जो ये गड्ढा है यहाँ पे, गड्ढे में निकाल रहे सर ट्रॉली एकदम फट गई जो है। यहाँ पे लोग भी बोल रहे हैं कि कल परसों ट्रक भी बढ़ गया था, तो ये गड्ढे में आया और पूरी ट्रॉली भूसा जा रहा हमारा, भूसा लेके जाए थे नौजिल हम जो है, यहाँ पे पलट गई गाड़ी अपनी। कितने बजे पलट है? अभी जो 1 घंटे पहले। 1 घंटे पहले? हाँ जी। तो सड़क की क्या स्थिति दिख रही है तुम्हें? सड़क की बहुत स्थिति खराब है, गड्ढे गुड्ढी हो रहे हैं पूरे रास्ता में। ये कौन सा रोड है? ये जो नौजिल वाला है, शेरगढ़ नौजिल वाला। हाँ जी। बाबा क्या नाम है आपका? बाबू। कहाँ के रहने वाले हो? छाता। अच्छा बताएं बाबा, यहाँ पे जो आए दिन यहाँ पे ये वाहन पलटते रहते हैं, क्या मामला है? रोजीना पलटते रहे, सड़क बिगड़ रही है साहब। सड़क बिगड़ी हुई है, एक और दिन बकाया ना जाए, ना पानी की व्यवस्था, ना नाली, ना कुछ नहीं, मकान बारे में कोई परेशानी। तो आपको काफी परेशानी होती है? बहुत ज्यादा परेशानी हो साहब। तो आए दिन घटना होती रहती है? आए दिन, एक और दिन बकाया ना जाए। कितने दिन से चल रहा है मामला? गैस संबंधी सन 19 से पहले थे। अच्छा। हाँ, यानी 2-3 महीने हो गए? हाँ, 3-4 महीना है। 4 महीना? बिल्कुल 4 महीना। अम्मा क्या नाम है आपका? शीला। कहाँ के रहने वाले हो? बरसाने के। अच्छा, पैदल पैदल आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं? काफी लेडीज हैं। ये जा रहे भैया आगे गड्ढा है, यहाँ गड्ढे से बजे थे हम जा रहे हैं। ये जो ट्रैक्टर बदला हुआ है, हाँ, तो टेम्पो नहीं निकल पाया यहाँ से? नहीं। तो टेम्पो वाला किधर से ला रहा घुमा के? पर ये चला रहा घुमा के, तो इस वजह से आपको पैदल चलना पड़ा? पैदल चल। तो काफी दूर का रास्ता है जो पैदल चलना पड़ेगा? यहीं से मरकावे को 500 मीटर है ना, 500 मीटर।